Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum students. Hope so you are all fine. आज का हमारा टॉपिक है वेब ब्राउजर। जैसे कि आपने आपको पता होगा हम लोगों ने सबसे पहले इंटरनेट पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है इंटरनेट से रिलेटेड, जो से वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर बेसिकली क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होती है जिसके जरिए से हम लोग सर्च इंजन तक एक्सेस हासिल करते हैं। और सर्च इंजन क्या होता है वो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। सर्च इंजन होता है गूगल, ठीक है, गूगल होता है, याहू होता है, ठीक है, बींग होता है, आस्क होता है, ये सारे हमारे पास के सर्च इंजन हैं। और इन सर्च इंजन तक हम लोग एक्सेस कैसे हासिल करते हैं? वेब ब्राउजर के जरिए से एक्सेस हासिल करते हैं। और वेब ब्राउजर क्या होता है? हमारे पास गूगल क्रोम होता है। ये बेसिकली ऐसे ही है कि जिस तरह आपके पास गाड़ी तो है और उसमें इंजन भी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल नहीं है। जब तक उसमें फ्यूल नहीं होगा तो सर्च इंजन का कोई फायदा नहीं होगा। फ्यूल क्या चीज है यहाँ पे? फ्यूल है वेब ब्राउजर। मेरे पास गूगल है, हर चीज है, तो लेकिन मेरे पास क्रोम नहीं है, ठीक है, मेरे पास गूगल क्रोम नहीं है। जब तक मेरे पास गूगल क्रोम नहीं होगा तो मैं गूगल, याहू, फेसबुक वगैरह वेबसाइट्स कैसे चला सकूंगा? मैं नहीं चला सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट्स एक्ट लाइक अ फ्यूल, ठीक है। जिस तरह गाड़ी के अंदर फ्यूल होता है तो उसका इंजन वर्क करता है, इसी तरह ही हमारे कंप्यूटर के अंदर वेब ब्राउजर होगा तो हम लोग सर्च इंजन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। वेब ब्राउजर कौन सा हो सकता है? वो गूगल क्रोम हो सकता है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, सफारी हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, यूसी ब्राउजर हो सकता है, कोई सा भी वेब ब्राउजर हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? ये कॉमन सॉफ्टवेयर है जो हम लोग यूज करते हैं ब्राउजिंग के लिए, ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों कहते हैं? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, इनकी तादाद जो होती है ज्यादा होती है, वो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। हम लोग डेटा को ट्रेवल करते हैं वन प्लेस से अदर प्लेसेस, और उसके लिए रिसोर्स जो सा यूज होता है वर्ल्ड वाइड वेब, www। मैंने कोई सी भी वेबसाइट खोल ली है ना, तो मैंने यहाँ पे ये लिखना है ये www, और ये कहाँ पे लिखूंगा? ऑब्वियसली मैं गूगल क्रोम में लिखूंगा। और गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर। जब वेब ब्राउजर ही नहीं होगा तो मैं कैसे www लिख सकूंगा? मेरा डाटा कैसे ट्रेवल होगा? डाटा ट्रेवल कौन क्या होता है? https हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये मेरा डाटा को ट्रेवल करवाता है। अब ये लिखूंगा कहाँ पे? ऑब्वियसली गूगल क्रोम में लिखूंगा, ठीक है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमें, कौन प्रोवाइड करते हैं? वेब ब्राउजर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वेब कैशेस अपने अंदर स्टोर करते हैं। वेब कैशेस बेसिकली ऐसे होती है कि हम लोग कोई सी भी वेबसाइट खोलते हैं ना, तो वो उसकी पिक्चर जो होती है वो हमारी डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर हो रही होती है। कुकीज भी इसी तरह ही होते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री जो होती है वो तो आपको, आप लोगों ने कभी हिस्ट्री रिमूव की हो तो आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सपोज करो हिस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है, ये हिस्ट्री आ गई है। सपोज करो मैं करता हूँ क्लियर हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब ये पूछ रहे हैं लास्ट और की करनी है। अब ये कुकीज का भी पूछ रहे हैं मुझसे, कैशेज का भी पूछ रहे हैं, कैशे इमेजेस जो स्टोर हुई है मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। कुकीज जितने भी Sign you out of more site, you will be stay signed in your Google account, so your snip data can be cleared. अगर मैं cookies को भी delete करूँगा तो मेरा जितना भी synchronization data होगा जो मेरा Gmail के ID के साथ sync हुआ होगा, ठीक है, जितना भी data होगा ये loss हो जाएगा। मेरी ID से loss नहीं होगा, मेरे सिर्फ web browser से loss हो जाएगा। दोबारा मुझे इसको इस तक access हासिल करनी होगी तो मैं क्या करूँगा? अपना Gmail का account दोबारा login करूँगा और उसको sync करूँगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद फंक्शन है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन वही होता है कि हम लोग डाटा को प्रोसेस करते हैं और कोई सी भी एक वेबसाइट लिखते हैं
और वेबसाइट लिख के हम लोग क्या करते हैं उस तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं, और उस वेबसाइट को हम लोग क्या कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वाला इसे कहते हैं यूआरएल http://www.wikipedia.org। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये है इस पूरे को मैं क्या कहता हूँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये मेरे पास क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है मेरी वेबसाइट का। मैं कोई सी भी वेबसाइट खोलूंगा तो इसको जब मैं कॉपी करूंगा इसका मतलब है कि मैं यूआरएल को कॉपी कर रहा हूँ, जिसको आप लोग दूसरी जुबान में कहते हो लिंक कॉपी करना, ठीक है। और ये मैं लिंक तभी कॉपी कर सकता हूँ जब मैं ब्राउजर पे होगा। ब्राउजर कौन सा हो सकता है, वो कोई सा भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, कोई सा भी ब्राउजर हो सकता है, ठीक है। आगे इससे बेटा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिट्राइव का मतलब होता है रिकॉल करना, डेटा तक एक्सेस हासिल करना, ठीक है। प्रोटोकॉल HTTP मेरी बेसिकली मेरी वेबसाइट को अलाउ करता है कि वो क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा है, मेरा कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर तक राबता करवाए, कनेक्शन बनवाए, ठीक है। हर वेबसाइट के शुरू में ऑटोमेटिकली HTTP आ जाते हैं, मैं नहीं ऐड करता, आप लोग नहीं करते, ये कौन ऐड करता है, आपका ब्राउजर ऐड करता है। ये देखो आप लोग कोई सी वेबसाइट खोल के देख लेना, ठीक है, उसके शुरू में HTTPS ऑटोमेटिकली लिखा होगा, इसका मतलब है हाइपर T4 टेक्स्ट T4 ट्रांसपोर्ट T4 प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो हमारे टेक्स्ट कौन सा है, हमारा हर वेबसाइट का डिफरेंट होता है, इसमें गूगल है तो गूगल लिखा होगा, फेसबुक होगी तो फेसबुक लिखा होगा, ठीक है, हर का डिफरेंट होगा। हमारे ये इस टेक्स्ट को ट्रेवल करवा रहे हैं कहां तक, गूगल के सर्वर तक, और मैं कौन हूँ, मैं इस टाइम एज ए क्लाइंट बैठा हुआ हूँ, एज ए क्लाइंट काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक HTTP की समझ आ गई होगी आप लोगों को। आगे उसने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर्स, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वेब ब्राउजर होते हैं, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ओपेरा है, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है, और इसके अलावा बेशुमार है, ठीक है। गूगल क्रोम गूगल ने डेवलप की है, ये तो पता ही, जिस तरह जीमेल किसने डेवलप की है, गूगल मेल ने, गूगल ने डेवलप किया जीमेल, ठीक है। इसके अंदर जो इंजन यूज हुआ है वो वेबकिट का इंजन यूज हुआ है, ठीक है। एक कंपनी है जो फास्टेस्ट कंपनी है, एप्पल वालों का जो सफारी है ना, सफारी वेब ब्राउजर है, उसका भी जो इंजन है जो उसको रन कर रहा होता है वो भी वेबकिट वालों का लगा हुआ है। कितनी लैंग्वेजेस मिलकर गूगल क्रोम बने, 50 लैंग्वेजेस मिली है, ठीक है। थीम्स डिफरेंट थीम्स की होती है, ठीक है, आपने देखा होगा टैबलेट में भी गूगल क्रोम चल रहा होता है, मोबाइल में चल रहा होता है, लैपटॉप में भी चल रहा होता है, ठीक है। इसको किसने लिखा गया, C++ के अंदर और JavaScript के अंदर, ये बेसिक दो मेन लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स है, मोज़िला वालों ने इसको डेवलप किया था, इसको भी सी और C++ में, और CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये शायद आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने HTML में पढ़ा था, ये HTML के पेज को डिजाइन करने के लिए हमें CSS लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। CSS क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, JavaScript ये भी लैंग्वेज यूज हुई थी, PHP होती है, इसमें इसमें जो इंजन यूज हुआ है जेस्को का, ठीक है, इसमें 75 लैंग्वेजेस यूज हुए हैं डिफरेंट, फिर जाके एक आपके सामने मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स डेवलप हुआ है, फिर थीम्स है डिफरेंट, डाउनलोड मैनेजर इसका अपना होता है, बेसिक डाउनलोड मैनेजर तो बेसिकली बेटा क्रोम का भी होता है, हर वेब ब्राउजर का अपना डाउनलोड मैनेजर होता है, ठीक है, याद रखना, ये कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका डाउनलोड मैनेजर भी होता है, हर वेब ब्राउजर का अपना डाउनलोड मैनेजर होता है। वो अलग बात है कि हम लोग अपनी फैसिलिटीज या अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए IDM कर लेते हैं, डाउनलोड मास्टर कर लेते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, ठीक है। ओपेरा एक फास्टेस्ट वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको C++ में लिखा गया था, ठीक है। इसका इंजन प्रेस्टो है, प्रेस्टो वालों ने इसका इंजन डेवलप किया था, इंजन वो होता है जो आपके ब्राउजर को रन करता है, चलाता है। इसमें कितनी जबानें यूज हुई हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की बात हो रही है, 45, ठीक है, स्पीड डायल फास्ट होता है, ठीक है, ओपेरा लिंक होता है मुख्तलिफ वेबसाइट से जो फास्टेस्ट काम करती है, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आजकल का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसे कहते हैं एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप लोगों को पता हो, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये अपडेटेड वर्जन है, इसमें 33 लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए,
सर्च जैसे इसके अंदर ऑटोमेटिकली आती है, इसका जो एड्रेस बार है वो स्मार्टर है। अब इसमें एड्रेस बार क्या होता है ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये भी आप लोगों को बता दूं। ये है जी एड्रेस बार, वेब एड्रेस, जहां पे हम लोगों ने किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखना होता है, किसी भी वेबसाइट का हम लोगों ने एड्रेस लिखना होता है, ये एड्रेस बार है। ये इन्होंने कह दी स्मार्ट है, ठीक है। और गूगल क्रोम मेरे ख्याल से इसका उससे भी स्मार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, तो माइक्रोसॉफ्ट एक खुद बहुत बड़ी कंपनी है। तो स्मार्ट एड्रेस बार आप लोग ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब नहीं तो आपकी मर्जी। सफारी एप्पल ने डेवलप किया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और इंजन जो था इसका वेब किट है, मतलब गूगल क्रोम वाला इंजन है, जो इंजन गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं वही सफारी वाले यूज कर रहे हैं, रिटन इन C++, ठीक है। और पॉप अप एंड एड ब्लॉकिंग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग गूगल क्रोम के अंदर एड ब्लॉक खुद से ऐड करते हैं एक्सटेंशन, जिस तरह अक्सर वेबसाइट होती है हम लोग क्या करते हैं उनके अंदर काफी एड्स आ रही होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि गूगल क्रोम में उसकी ना एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं ऐसे करके। Add to Chrome, खैर अभी तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो अगर कुछ वेबसाइट होती है जिनमें काफी एड्स आ रही होती है तो हम लोग फिर इनको यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ऐड टू क्रोम कर देते हैं। सफारी के अंदर ये ऑटोमेटिकली होता है बिल्ट अप, ठीक है, हमें खुद से नहीं करना पड़ता। टेक्स्ट सर्च, स्पेल चेकिंग, डिसेबल इमेज, इमेज को डिसेबल कर देते हैं फंक्शन है इसके अंदर। इंटरफेस ऑफ गूगल क्रोम, गूगल क्रोम का इंटरफेस मतलब होता है कि कैसा लुक वाइज कैसा है, किस तरह का दिखता है, ठीक है। ये इंटरफेस ऑफ सफारी,